और तुहानूं सर ने दस्सिया पटाके ते पाबंदी लगाती दिल्ली ते एनसीआर इलाके दे विच। आप ही सियाने हो जाइए, कोई जरूरी नहीं भी आपां नूं प्रशासन ही कहे या पटाके बंद ही होण। हुण जे तुसीं भी एक प्रण कर लो भी असीं घट्टो घट्ट पैसे खर्च करके बीमारियां मुल नहीं लैणियां। और तुसीं ये भी देख रहे होंगे तुहाडे परिवार च तुहाडी गली च जदों पटाका चलांदा कोई भी बच्चा तो उहदा ध्यान किधर हुंदा? सिर्फ ते सिर्फ पटाके वल हुंदा। तां किसी का मुंह फट जाता, किसी का हाथ फट जाता, किसी का कान फट जाता, किसी का हाथ फट जाता। नुकसान होया और जे अपना नहीं होया कि भी दूसरे का होया, नुकसान तो वखरा होगा ही होगा। फिर इस तो वड्डी गल की है, जेकर पटाके जाटा गुद्दी पई होएगी तो जे झुलट गए फटाफट दिन तो नहीं हो सकता भी एडा अपने कोई जादू की छड़ी है पर ठीक हो जाएंगे तो सवेरे स्कूल आ जाएंगे, नहीं हो सकता ना। पीना लगना और ये नहीं कला पैस से ध्यान देना होर गल है तो फिर अपने विचारों तो बचने की लोड़ है ना। प्रदूषण, फिर पानी का पोल्यूशन, फिर जरा है तीसरे नंबर पर लैंडस्केप पोल्यूशन होंगे, सॉयल पोल्यूशन जिन्होंने कहने मिट्टी। प्लीज जिन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के नाम दिते सी रैली विच जान वास्ते दिवाली इंज मनावांगे, दिवाली इंज मनावांगे, प्रदूषण नहीं फैलावांगे, दिवाली इंज मनावांगे, प्रदूषण नहीं फैलावांगे, प्रदूषण नहीं फैलावांगे, बोलो सारे दिवाली इंज मनावांगे, प्रदूषण नहीं फैलावांगे, दिवाली इंज मनावांगे, बोलो आजाद सेवा सोसायटी वालों असी हर साल स्कूलों के जाके बच्चों प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने लिए प्रेरित करते हाँ ताकि पटाकों के नाल असी बेहिसाब रुपए खर्च के एक तरह दी बीमारियां ही मोल लैने। पटाकों के नाल इन्ना जहरीला प्रदूषण फैलता है कि उस प्रदूषण के नाल जहरीले प्रदूषण के नाल कैंसर ते दमे वर्गे रोग होंगे, इसलिए अज असी इस संबंध में एक शहर के रैली कढ़ रहे हैं ताकि लोगों को भी इस तो जागरूक कराया जाए ताकि वह पटाके ना चलाउण अते बीमारियों तो अपना बचाव करन। स्कूल दे विच जिहड़ी हैगी है ग्रीन दिवाली दे संबंधी एक रैली बच्चों ने निकाली, उस तो पहले लैक्चर वगैरह बच्चों दिते, बच्चों समझाया गया कि एक तो मिट्टी के दीवे बालने हैं या स्मोकलैस कैंडल्स जलानी है या बच्चों ये भी दस्या गया भी लोगों में अवेयरनैस जगाओ, मोटीवेट किया बच्चों कि पटाके नहीं चलाने और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटीवेट होए भी है और वो अगो अपनी फैमिलीज नू भी मोटीवेट करेंगे, अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले नू भी मोटीवेट करेंगे। उम्मीद हैगी है कि मुक्तसर जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट हैगा बड़ा हाईली पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट हो चुका है क्योंकि इत्थे प्लांट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, लोगों ने डीफोरेस्टेशन ज़्यादा हो चुकी है, रीफोरेस्टेशन हो ही नहीं तो थोड़ा लोगों नू अवेयर किया जाए और इन्हां जिहड़ियां हैगियां ने साह दीआं बीमारियां तो नॉइस पोल्यूशन तो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਇਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ।